एक तरफ जहां देशव्यापी लॉकडाउन है तो वहीं दूसरी तरफ अभी भी आपराधिक घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला दिल्ली से सटे यूपी के जनपद गाजियाबाद का है, जहां दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ, जिसमें दबंगों ने गोली मारकर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल ये पूरा मामला कोतवाली इलाके के डासना गेट का है, जहां दो पक्षों में पैसों के लेनदेन को लेकर झगड़ा हो गया। पीड़ित ने बताया कि उसकी मौसी के लड़के ने उसे अपने साथ काम पर रखा था, लेकिन जब रुपये की बात आई तो वह आनाकानी करने लगा और उसे पहले अपने पास बुलाकर मारपीट की। उसके बाद पीड़ित के घर पर हमला बोल दिया और वहाँ उसके पिता को गोली मार दी, जिससे उसके पिता की मौत हो गयी। वही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर मामले की जाँच शुरू कर दी। बुलाने के बाद मुझे नहीं पता तो उन्होंने मुझे किस लिए बुलाया। मैं चला गया वहाँ पे अपने दोस्त को लेके पहले, और जब मैं वहाँ पहुँच गया, पहुँचने के बाद वो गाड़ी में से उतरे, अपने हाथ पकड़ के एक जना मुसलमिन मुझे आगे लेके चला गया। और जब मुझे वो कोने में लेके चला गया तो उन्होंने मुझे गाली गुफ्तार देनी शुरू कर दी रैप पे अपने मारे मेरे। कौन थे वो लोग? मेरी मौसी के लड़के हैं। अच्छा, एक का नाम मुसलमिन है, एक का नाम जौली है, एक का नाम नाजिम है, एक का नाम अनवर है, वो उनका दामाद है, और क्या नाम है जो उनके पापा हैं उनका नाम इरफान है, और एक उनका साला है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने मुझे तुरंत गाड़ी में से कहा कि निकालो और मारो सर। तो वो आपके घर तक पहुंच गए वहाँ से? मेरे घर पहुंच गए थे उन्होंने। अच्छा, मेरे बच्चे को अपने साथ काम पे लगा लिया था। अच्छा, कि मांस बेचेंगे मांस बेचेंगे। अच्छा, अब वो कह रहे हैं ठीक है कर लेंगे, मैं भैया सिलाई करूँ अपने बच्चे पाल लेंगे, मेरे बच्चे का काम नहीं लग रहा था। अब उसने मांस लेने का कि मेरे पापा दिल्ली से लाया करेंगे रात को और तू सप्लाई करा कर, मेरे बच्चे ने सप्लाई करी, फिर उसे कह दिया कि तुझे कुछ नहीं दूंगा। वो बच्चा कहने लगे अम्मी ये कुछ ना दे रहा मुझे। मैंने कहा भैया जो दे उसको 25% 10,000 रुपये दे दिए, 1,00,000 रुपये अपने पास रख दिया मुजम्मिल ने। फिर जो है मेरे बच्चों को धमकी दे रहा था 3 दिन से, उसकी वो रिकॉर्डिंग भी है कि तुझे जान से मार दूंगा अगर गाजियाबाद में कहीं भी नाम काम करने की कोशिश करती है।